बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट इन चैप्टर नंबर 5, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट हम अगर आसान इसको ज़ुबान में बोलें तो वो वाला टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल हो जाता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अगर इसकी डेफिनेशन देखें कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। अब हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और जैसे जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा कि उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी, और जब वो ब्रेक होती हैं तो लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस फेज जिसको हम कहते हैं वेपर्स, ठीक है। लिक्विड के फिर वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे इस डेफिनेशन में कि वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस बात को समझने के लिए अगर हम ये डायग्राम देखें, आपको नज़र आ रही है कि इसमें क्या हुआ कि हमने एक कोई भी लिक्विड लिया है, उसको हमने सपोज़ ये वाटर ही है, इसको हमने बॉयल करना है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वही बात जो मैंने आपको बताई है, इसका मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जब इंक्रीज़ होगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब वेपर्स जो बनेंगे वो क्या करेंगे, वो एस्केप होने के लिए ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसी टाइम क्या होगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमें पता है एयर होती है, और एयर क्या होती है, एयर गैसेस का एनवेलप होता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट गैसेस होती हैं एयर के अंदर, और वो गैसेस भी ज़ाहिर है कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती हैं। तो अब नीचे से क्या लिक्विड से क्या निकल रहे हैं, वेपर्स निकल रहे हैं, और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या है, एयर प्रेशर है, ठीक है। अब स्टार्ट में क्या होगा कि वेपर्स तो अभी कम होंगे ना, ठीक है। अभी लिक्विड के कोई एक मॉलिक्यूल टूटा है, वेपर में कन्वर्ट हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे और वो वेपर्स बनाना शुरू करेंगे। तो क्या होगा, स्टार्ट में वेपर प्रेशर कम होगा लेकिन एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन जब वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है तो वेपर्स ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और वेपर्स जो बनने का प्रोसेस है वो स्पीडअप होता है। तो जब वेपर्स इतने ज़्यादा बन जाएंगे कि जब वेपर प्रेशर उतने ही वेपर्स नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और एयर प्रेशर को वो उसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी कि जब वेपर प्रेशर और एयर प्रेशर या एनी एक्सटर्नल प्रेशर, अब एनी एक्सटर्नल प्रेशर से क्या मुराद है कि जैसे कोई भी हम लोग, जैसे अगर हमने इस कंटेनर को कवर किया हुआ है, ठीक है, किसी भी लिड से हमने इसको कवर किया हुआ है, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है। और अगर कवर नहीं किया हुआ तो क्या है, एयर प्रेशर है। तो जब वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ एयर प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर, उस पॉइंट पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हम अचीव कर लेंगे किसी भी लिक्विड का। जैसे डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो इसकी अब आपको समझ आएगी। बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने, जैसे हम इस ग्राफ से देखें, उन्होंने बताया हुआ, मैंने आपको भी बताया और हमने वेपर प्रेशर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि देर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर, ठीक है। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज, ठीक है। तो स्टार्ट में क्या हो रहा है कि आप जैसे ग्राफ देखें, साइड पे हमारे पास वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है और नीचे हमारे पास टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, वेपर प्रेशर भी उस टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। 760 mmHg एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या एयर प्रेशर होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर का भी टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, और 34.6 डिग्री सेल्सियस पे जाके इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल हो गया, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि इस टेम्परेचर पे ये 760 mmHg पे जाके मीट कर गई है लाइन। इसी तरह से अल्कोहल की अगर हम बात करें, स्टार्ट में वेपर प्रेशर कम था, ग्रीन वाली लाइन में सेंटर वाली, स्टार्ट में जो है वो टेम्परेचर कम था तो वेपर प्रेशर कम था, लेकिन विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीज्ड, और ये 78 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये एयर प्रेशर के इक्वल हो गया वेपर प्रेशर।
अब क्या हो रहा है कि जैसे ही वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में भी स्टार्ट में वेपर प्रेशर बहुत कम था, लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे ज़्यादा होता गया है वेपर प्रेशर ज़्यादा होता गया है और वेपर प्रेशर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आके इक्वल हो गया एयर प्रेशर के, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है कि वेपर प्रेशर और एयर प्रेशर दोनों इक्वल हो गया और उस स्टेज को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम लोग अब जैसे बात करें कि पीछे वाले टॉपिक्स में भी इवेपोरेशन एंड इन वेपर प्रेशर हमने बात की थी कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, जिसमें हमने उन दोनों टॉपिक्स में भी इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर में भी देखा था कि जैसे सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, नेचर ऑफ लिक्विड वगैरह, तो इसी तरह से ये भी जो बॉइलिंग पॉइंट भी है ये भी डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ़ लिक्विड पे। अब नेचर ऑफ़ लिक्विड क्या होती है ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था डिटेल में कि ये डिपेंड करता है कि जो लिक्विड है वो कितना स्ट्रांग है या उसके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो कितनी स्ट्रांग है, जैसे कि उसके अंदर पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर बॉन्ड है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो पोलर बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर बॉन्ड, क्योंकि जो पोलर बॉन्ड होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बनते हैं और उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, लेकिन जो नॉन पोलर बॉन्ड होता है वो एज़ कम्पेयर टू पोलर बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर पोलर बॉन्ड वाला कोई लिक्विड है या पोलर नेचर वाला कोई लिक्विड है जैसे कि वाटर है हमारे पास, तो इसको जो मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तब जाके उसके वेपर्स बनेंगे और फिर जाके हम बॉइलिंग पॉइंट अचीव करेंगे। तो जितना स्ट्रांग लिक्विड होगा, जितना पोलर इन नेचर होगा, उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या है कि अगर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, वही बात कि हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए और ये हमारे पास जो है वो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा आएगा, लेकिन जो वीक जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ईजिली ब्रेक हो जाएंगी और उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें तो एक्सटर्नल प्रेशर जैसे मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। हाँ ठीक है, मतलब कि हमें अगर एक्सटर्नल प्रेशर या एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बने, जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे फिर तब जाके हम उस इतने ज़्यादा जो एयर प्रेशर है उसको हम बीट कर पाएंगे या उसके इक्वल आ सकेंगे। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में यही बात बताई गई है कि जैसे जैसे जो अगर ये नेचर ऑफ लिक्विड भी स्ट्रांग है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रांग है और अगर एक्सटर्नल प्रेशर भी स्ट्रांग है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का बचा टॉपिक था, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, वही आपको क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके अलावा ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसे कि ये इस टेबल जैसे इस ग्राफ से बताएं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का कितना है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ठीक है, तो ये आपको आने चाहिए। उसके अलावा ये नेचर ऑफ लिक्विड और वही के व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर ऑफ लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट और इसी तरह से ये आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके बच्चे, दिस इज योर डायरी पेज नंबर 86 टू 87, एक ही टॉपिक है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।